This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज और एक नए विषय के साथ हम वापिस YouTube पे मिल रहे हैं। आज का विषय है ओज। ओज हमारे आचार्य उसको धातु भी कहते हैं, अष्टम धातु। वो सप्त धातुओं का सार इस प्रकार से भी वर्णित है, लेकिन उसको इन डिटेल हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो रसादी सप्त धातु इनको हम देखने के बाद अभी ओज धातु या ओज इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा विजुअली भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा हमेशा की तरह। तो स्क्रीन शेयर जब तक होता है, थोड़ा सा आज वीक नेटवर्क है तो आप समझ सकते हैं, ये ऑनलाइन टीचिंग के बारे में यही दिक्कत आती है। और मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो मैं और भी विषयों पे, जैसे कुछ विद्यार्थी रचना शरीर पे लेक्चर स्लो ऐसे बता रहे हैं। हालांकि नेक्स्ट वीक से मेरा जो शेड्यूल चालू होगा वो प्रमुखतया अपने चरक संहिता के पूर्वार्ध के ऊपर हम ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो शेड्यूल चालू करने वाले हैं, और उसी हिसाब से सभी बातें जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओज धातु है क्या वो समझने की हम प्रयास करेंगे। अभी ग्रंथों में जो वर्णन आता है ओज का, तो वो विविध पद्धति से आता है। जैसे कि सुश्रुताचार्य जी कहते हैं, ओज जो है वो रसादी नाम शुक्राणाम धातु नाम यह परम तेजम या तेजाहा, इस पद्धति से वो शुक्र धातु का वर्णन, सॉरी ओज धातु का वर्णन करते हैं। तो इसको ही आगे ले जाते हुए हम और डिटेल थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डालने का कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये विषय अच्छे से समझ में आए, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले तो रसादीनाम शुक्रांताणाम धातूनाम यत् परम तेजाह तत् खलु ओजाह तद एव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांता। तो यह अपने शास्त्र का यानी आयुर्वेद शास्त्र का यह सिद्धांत है। यह कोई कवि कल्पना नहीं है या परिकल्पना नहीं है, संकल्पना नहीं है, स्वयं सुश्रुताचार्य जी इसको सिद्धांत रूप से प्रतिपादित करते हैं। तो डंडनाचार्य जी भी उसकी टीका में परम से उत्कृष्टम इस पद्धति से वो आगे उसका विकास या ग्रंथकारों को समझाने का प्रयास हमें करते हैं। सिंपल भाषा में देखेंगे, अभी आप सामने जो स्लाइड देख रहे हैं, तो ओजा डिनोट्स द बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ टू द माइंड एज वेल द वेरियस टिश्यूज, दैट इज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ द ओजा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Definitely, the tissues are continuously degenerating. We know that the shiryate tat shariram. So, sabse pehle wo sharir ka sharan ya kshiyaman jo hota hai, usko resist karne ka ya usko uski gati dhimi karne ka prayas karta hai. So, ye simply. So, as per Monier William Dictionary, which is the, the most referred English dictionary for our Ayurveda people also. So it represents the Oja word as bodily strength, vigor, energy, ability, vitality, and the generative faculty, support mechanism, and the principle of vital warmth and action diffused throughout the body. So itne sare uske jo arth hai, वो ये मोनियर विलियम डिक्शनरी में बताया। तो सबसे पहले जैसे मैंने सुश्रुताचार्य जी सूत्र स्थान का 15वें अध्याय का कोटेशन यहाँ पे दिया, स्वशास्त्र सिद्धांत, तो ये आयुर्वेद शास्त्र का सिद्धांत है। और उसके ऊपर जो टीका है उसमें डंडनाचार्य जी हमें समझाते हैं कि तंत्र अनंतरे तु ओजाह शब्देन रसो अपि उच्यते,
जीव शोणितम अपि ओजाः शब्देन। इस प्रकार से यानी रस को, रक्त को, ओज ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे डल्लनाचार्य जी समझ समझाते हैं हमें। अपितु केवल आहार रस से सर्व धातु पुष्ट होने की वजह से वह धातु जो है वो ओज समझा जाता है। लेकिन डल्लनाचार्य जी ये स्पष्ट करते हैं कि ओज जो है वो रस या जीव शोणित यानी रक्त केवल ये नहीं है। उष्मानम अपि ओजः शब्देन अपरे वदन्ति, यानी उष्मा को भी ओज अन्य तंत्र अनंतरे या अंतरे यानी आयुर्वेद शास्त्र के किंबहुना या अपितु अपने सुश्रुत संहिता के अलावा अन्य ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में ओज शब्द को रस या रस को भी ओज कहा है, रक्त को भी ओज कहा है, शरीरस्थ ऊष्मा को भी ओज कहा है। लेकिन स्वशास्त्र सिद्धांता यानी सुश्रुताचार्य जी के मतानुसार ये केवल और केवल रसादि जो धातु है, रस से लेकर शुक्र अंत, ठीक है, रस आदि धातु है, शुक्र अंत्य धातु है, इन सातों ही धातुओं का जो तेज है वो तेज जो है वो ओज है, ठीक है। यानी डल्लनाचार्य जी हमें स्पष्ट करते हैं सुश्रुताचार्य जी का मत के रस धातु, रक्त धातु या शरीरस्थ ऊष्मा, इनको अन्य ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में ओज ऐसे पर्याय शब्द या सिनोनिम आया है, लेकिन वो केवल उनकी कर्म सादृश की वजह से है, लेकिन ओज एक अलग घटक है। तो वो जो तेज है सप्त धातु का, तो उसको समझाते हुए डलनाचार्य जी कहते हैं, दूध में जैसे घी समाया होता है वैसे ही रसादि शुक्र धातु पर्यंत सप्त धातुओं में उनका उत्कृष्ट अंश जो है वो ओज है, ठीक है। इस प्रकार से वो हमें समझाते हैं। आगे भाव प्रकाशाचार्य जी का श्लोक दिया है, भाव प्रकाश संहिता में से अष्टांग हृदय में से भी श्लोक का रेफरेंस इस स्लाइड में आप देख रहे हो। तो भाव प्रकाश कार कहते हैं, यस्मात् रसात् ओजो भवति स रसाः सर्व धातु स्थानगतत्वात् तत्तद् धातुं। इस प्रकार से वो भी हमें समझाते हैं कि घृत में हमें, सॉरी, क्षीर में हमें घृत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी पद्धति से सभी धातुओं में ओज समाविष्ट है या ओज निहित रहता है। अभी अष्टांग हृदयकार उसका महत्व प्रतिपादित करते हुए ओज का बताते हैं, यत् नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति। यानी ओज का अगर नाश हो गया तो इस देह का भी नाश हो जाता है, और वो अगर ओज अगर शरीर में स्थित रहता है तो अपना शरीर भी जो है ये आयुष जो है परंपरा ये बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हमें ओज को समझाते हैं अष्टांग हृदय कार उसका महत्व। तो हमें क्या पता चला अभी, तो ओज क्या है, तो रसादि सप्त धातुओं का सारभूत पदार्थ है। उसको फिजिकल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जिसे बल शब्द पारिभाषिक शब्द आयुर्वेद में आया है, तो वो शरीर को बल प्रदान करता है, और बल शारीरिक एवं मानसिक दोनों पद्धति का। वह जो है वो स्नेह को भी रिप्रेजेंट करता है, और स्नेह जो है वो क्या है, कहाँ कहाँ है, तो प्राण जो है वह जहां जहां रहता है वहां स्नेह रहता है। ओके, सो ऑल्सो इट इज टर्म एज लाइक वी हैव सेड, रस जीव शोणित उष्मा, इन चीजों को भी ओज कहा गया है। अभी ये आपके सामने जो रेफरेंस है इस स्लाइड में वह है वैदिक रेफरेंस। तो अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इसमें हमें संदर्भ मिलते हैं, और वहां पे तेजोसी तेजोमयी इस पद्धति से बलमसी बलमयी यानी तेज रूपी बल स्वरूप उसका वर्णन हमें
वैदिक लिटरेचर से भी मिलता है। और वेद क्या है? सर्व शास्त्रों का स्रोत कहा गया है वेदों को। अभी देखिए, जैसे हमने धातु के दृष्टि से या धातु जब हम देख रहे थे, उसी पद्धति से यहाँ भी आप सिनोनिम ओज को शास्त्र में विधिवत पद्धति से आते हुए देखते हैं। जैसे रस है, जीव शोणित है, उष्मा है, ये तीन तो हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद प्राकृत श्लेष्मा यानी बैलेंस्ड जो कफ दोष है उसको भी श्लेष्मिक ओज कहा गया है। और शरीरस्थ रस रूपी स्नेह को भी ओज कहा गया है। ठीक है, तो ये विविध रेफरेंस आप नीचे देख सकते हो, जहां पे रस, जीव शोणित, प्राकृत श्लेष्मा, उष्मा और शरीर रस स्नेह को भी ओज ऐसे सिनोनिम के तौर पे ये विविध शब्द आए हैं। ओज तैयार कैसे होता है या ओज का नरिशमेंट पोषण जो है वो किस पद्धति से शरीर में होता है, उसके बारे में भी हमें ग्रंथकार बताते हैं। पुष्यन्ते तु आहार आहारात वगैरह आहार रसात सॉरी, जिस पद्धति से रस रुधिर यानी रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और आठवां घटक भी वहां पे बताया है ओजांसी, तो आहार रस से ही ओज का पोषण होता है। जैसे हमने हर एक धातु में ये जो आप ग्राफिक यहाँ पे देख रहे हैं सॉरी फ्लो चार्ट, उसी पद्धति से कि आहार पांच भौतिक होता है, उसके ऊपर जठराग्नि के सबसे पहले स्थूल पचन होता है, उससे आहार रस तैयार होता है, वह आहार रस संबंधित महा स्रोतसों में जाता है और वहां पे त्रिधा परिणवन उस धातु के अग्नि द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि भाई ओज कहाँ पे यहाँ दिख रहा है, तो हर धातु में उसका जो तेजोभूत अंश है और जिसे डलनाचार्य जी टीका में समझाते हैं, तेज इव तेजाहा तेजो घृतम वा। ठीक है, यानी जिस प्रकार से व्यक्ति का तेज जो है वो अलग पदार्थ नहीं है, वो संपूर्ण शरीर में ही दिखाई देता है, उसी पद्धति से वहां पे उपमा भी दी है। ढलनाचार्य समझाते हैं हमें, दूध में जैसे घी होता है उसको अलग से नहीं देखा जाता या देख सकते, उसी स्वरूप ओज जो है हर एक धातु में निहित है, उसका जो उत्कृष्ट अंश तेजोभूत अंश जो है वह ओज है। अब ओज बनता कैसे है और शरीर में उसका भ्रमण सर्कुलेशन किस पद्धति से होता है, तो ये जो रेफरेंस चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय, 30वें अध्याय, अष्टांग हृदय शरीर स्थान तीसरा अध्याय है, वो आप सामने देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रथमं जायते ही ओजाह शरीर अस्मिन् शरीरिणा, यानी कहाँ पे ओज सबसे पहले तैयार होता है, तो वह जीव यानी शुक्र शोणित तो संयोग जब होता है तो उसमें जीव भाव आ जाता है, उसमें आत्मा प्रविष्ट होता है, जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, उसी वक्त ओज जो है तैयार होता है शरीर में। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर फर्स्ट लाइन दैट ओज इज फॉर्म फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। तो शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम, तो शरीरे ये पार्थिव शरीर को, पांचभौतिक शरीर को शब्द है शरीर, और शरीर ही शब्द जो है पहले श्लोक में हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है आत्मा के लिए और जीवात्मा के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट संदर्भ यहाँ पे देखते हैं, यत सारम आदौ गर्भस्य यत तद गर्भ रसाद रसाह संवर्तमानम हृदयम समाविष्टि यत पुराहा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि गर्भावस्था में जो है तो माता के आहार रस से ही उसका संपूर्ण गर्भ का पोषण होता है, तो गर्भावस्था में बिल्कुल माता के आहार रस से ही उसका पोषण होगा, परंतु वो जो आहार रस है वो हृदय में जाके संवर्तमानम हृदयम समाविष्टि यत पुराह। इस शब्द से आगे जो श्लोक है वो यहाँ पे बाजू में दिए है, देखिए, यस्य नाशात तु नाशोऽस्ति धारी यत्र आश्रितम यत् शरीर रसस्नेहा प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता इत्यादि। यानी ये जो ओज है वो आहार रस से माता के गर्भ के
शरीर का पोषण होता है उसी वक्त, ये जो रस है जिससे पोषण होता है गर्भ शरीर का, तो उसको ही रसात्मक ओज कहा है। और वो हृदय में स्थित होता है और हृदय के द्वारा जो 10 वेसल्स दश धमनिया हृदय से संबंधित होती है वो संपूर्ण शरीर में उसको प्रवाहित है। तो यही अष्टांग हृदय चार स्थान पे दश मूल शिरा रिक्तः सर्व सर्वतोऽपि रसात्मकं वहन्ति ओजाः तन्निबद्धं हि चेष्टितम्। यानी ये चेष्टितम जो है वो लाइफ के लिए, जीवित के लिए शब्द है। सो सबसे पहले तो वो शुक्र शोणित संयोग जब होता है, या जिसे हमें जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव प्रकट होता है, प्रकृति जिस प्रकार से उसी वक्त तैयार हो जाती है, वैसे ही ओज उसी प्रकार से वहां पे प्रकट हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। और फिर उसका आहार रस के द्वारा पोषण होता है। सबसे पहले वो गर्भावस्था में माता के आहार रस से पोषण होता है, इसलिए उसको रसात्मक ओज, ऐसे चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में वहां पे उसको शब्द आया है। और फिर वो हृदय से संबंधित दश धमनी द्वारा, हृदय और हृदय से संबंधित दश धमनी द्वारा शरीर में उसका संवहन या सर्कुलेशन होता है। तो ये फिर से वही श्लोक यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़े डिटेल्स हमें देखने हैं। तो यत् परम तेजः सारम घृत मधुस्थानीयम प्रत्येकमेव रसादीनाम यद उत्कृष्टो अशाह सार भागा समिलित्वा हृदय प्रधान स्थानत्वात् तत्रस्थ एव च इत्यादि पद्धति से चक्रपाणि दत्त। सुश्रुताचार्य जी के यानी सुश्रुत संहिता के ऊपर चक्रपाणि दत्त जी की जो टीका है उसमें हमें समझ आते हैं कि ये क्या है। तो यत् परम तेजः सारम, इस पद्धति से यानी यत् परम तेजः सारम जो है, इट इज जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल हियर दैट एज लाइक घृता इज प्रेजेंट इन द मिल्क, ओजा इज प्रेजेंट इन एवरी धातु, दैट इज ऑल धातु इन द फॉर्म ऑफ अटमोस्ट सार स्नेह, सारम तेजाह सारम। ओके, तेज या सार ये शब्द आए हैं। और फिर वो हृदय और हृदय के संबंधित धमनी द्वारा प्रवाहित होता है संपूर्ण शरीर। तो सबसे पहले हमने देखा कि वो क्या होता है। सबसे पहले वो शरीर और शरीरी इनका मिलन होता है, तभी जायगोट उसका जो स्वरूप आता है स्त्री बीज पुरुष बीज मिलके, इस स्लाइड में आप देख सकते हो, तभी उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। और फिर वो हमने देखा कि गर्भ का हृदय और हृदय से संबंधित धमनी द्वारा जो है उसका वहन होते रहता है। ओके, तो ओजस्तुते जो धातूनाम शुक्रांताणाम परम स्मृतम, ऐसे भी अष्टांग हृदय का करते हैं। और द्वयस्थम अपि देह व्यापी देह स्थिति निबंधनम, यानी वो ओज देहियों के प्रत्येक अवयव को तृप्त करता है। और ओज कैसे है, उसके अस्तित्व से ही शरीर का अस्तित्व है। और ओज का अगर नाश हो गया तो शरीर का भी नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी जिस प्रकार से आगे वह उपमा भी आएगी उस वक्त हम देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, ये मधुमक्खी है, वो फूलों से उसमें से मधु निकालती है, मधुरस निकालती है। ठीक है, तो उसी पद्धति से हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि भ्रमर जिस प्रकार फलों और पुष्पों के कण कण करके इकट्ठा करके मधु का आहरण करता है, यानी कि वह मधु का शोषण वह करता है, वैसे ही शरीर अवयव रस धातु से ओज का आहरण करते हैं। ठीक है। और फिर वो मधुमक्खी जो है वो क्या करता है, मधुमक्खी भ्रमरों के समान अपने बल और पुष्टि के कर्म को उसका व्यवहार करते हैं। यानी इसको अगर हम समझे थोड़े और सिंपल लैंग्वेज में, तो ओज इज फॉर्म एंड नरिश बाय आहार इन सिमिलर मैनर एज टिश्यू, जैसे धातुओं का पोषण होता है वैसे ही ओज का होता है।
ओज के प्रधान दोन प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं आगे हम देखेंगे। तो अपर ओज है और पर ओज है, ठीक है। तो अपर ओज जो है वो आहार रस का ही सारा भाग है, जिसको श्लेष्मिक ओज कहा है, और पर ओज जो है वो हृदयस्थ स्थित होता है और गर्भावस्था में, द्वरुद अवस्था, गर्भावस्था में ऐसे कहा है, विशेषता सप्तम मास में। तो ओज जो है वो गर्भ की तरफ और माता की तरफ ऐसे वहन करते रहता है, वो पर ओज है यानी श्रेष्ठ ओज है। और अगर बालक का 7वें महीने में जन्म होता है, डिलीवरी होती है, तो ओज अगर माता की तरफ है तो माता जीवित रहती है, बालक मृत पैदा होता है। और अगर बालक की तरफ ओज है तो बालक जीवित रहता है और माता मृत हो जाती है किसी कारणवश। तो इतना ओज का महत्व है, क्योंकि ये माता गर्भावस्था में क्या है, आहार रस से ही माता का भी पोषण होता है और गर्भ का ही पोषण होता है। तो हम समझ में ये ले लेंगे यहाँ पे कि ओज क्या है। तो इन टोटल वो सार भाग है सप्त धातुओं का, ओके। और उसी से हमें व्याधि प्रतिकार शक्ति और बल मिलता है। वो बल कैसा है, शारीरिक और मानसिक दोनों पद्धति से, ओके। अभी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि पर ओज ये श्रेष्ठ ओज है, ओके, और अपर ओज जिसको श्लेष्मिक ओज भी कहा है वो दूसरा प्रकार है। ये दो मुख्य प्रकार है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो पहले दो जो पंक्तियां है उसको। तो पर ओज का प्रमाण क्वांटिटी भी बताया है, वॉल्यूम बताया है, वो 8 ड्रॉप्स और एक जगह वो 6 ड्रॉप्स यानी अष्ट बिंदु या षट बिंदु ऐसे बताया है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जो है टेबल में कंपैरेटिव भी देख सकते हैं। और अपर ओज जो है उसको वो क्या है, संपूर्ण शरीर में स्थित रहता है। पर शरीर कहाँ में रहता है, देखिए पर ओज हृदय में रहता है, अपर संपूर्ण शरीर में रहता है। प्रमाण कितना है पर का, अष्ट बिंदु या षट बिंदु है। अपर का कितना है, तो अर्ध अंजलि, इस चित्र में आप देख सकते हो आधी अंजलि भरी हुई है उस हाथ में, ठीक है। तो यही जो अरुण दत्त के अष्टांग हृदय पे सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में श्लोक है, चरकचारी 7वें अध्याय में चक्रपाणि दत्त जी की टीका है, उसी से ये टेबल कंपैरेटिव बनाया है। पर ओज का कलर कैसे रहता है, वर्ण कैसे रहता है, तो ईषत रक्त ईषत पित्त ऐसे प्रकार से बताया है। तो उसको सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय में भी उसके ओजा सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम इस पद्धति से उसको बताते हैं। वो गुण में देखेंगे। आज यहाँ पे टेस्ट कैसी है, तो पर की टेस्ट तो यानी क्या बोलेंगे, रस नहीं बताया, लेकिन अपर का मधुर रस है। और कार्य क्या है, तो पर वो जीवावस्था मेंटेन करता है, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, और अपर रोज क्या करता है, वो शरीर को बल प्रदान करता है एवं पोषण करता है, ठीक है। इसी पद्धति से इसको हम जानेंगे, तो ये सुकरता से आप समझ लीजिए। तो ये जो है ओज दो प्रकार के होते हैं, पर और अपर ओज, उसके स्थान अलग अलग है, उसके प्रमाण अलग है, इस प्रकार से ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उसका वर्णन आता है। ओज शरीर में कहाँ रहता है, तो संपूर्ण शरीर में तो रहेगा ही, लेकिन उसके विशेष स्थान में, ओजा सर्व शरीरस्थम शारंगर पूर्वा संहिता पूर्व पूर्वार्ध में 5वें अध्याय में है। भेल संहिता में कुछ कुछ रेफरेंस भेल संहिता के भी हमें लेने पड़ते हैं, जैसे मस्तुलुंग का अगर अभ्यास करते हैं हम, ब्रेन का, सेरेब्रम का सॉरी, तो उस वक्त हमें भेल संहिता के रेफरेंस मस्तिष्कगत विकारों के लेने पड़ते हैं। तो भेल संहिता के भी कुछ संदर्भ बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। तो वहां पे भेल संहिताकार स्पष्ट लिखते हैं, स्थानानि द्वास द्वादश भवन्ति तद्यथा, यानी ये जो ओज के स्थान है वो 12 बताते हैं। तो कौन कौन से है, शोणित यानी रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ठीक है। यहाँ पे और एक शब्द आया है, शुक्ल स्वेद, स्वेद पता है, पित्त पता है, श्लेष्मा यानी कफ पता है, मूत्र पुरीष। अभी ये शुक्ल क्या है, इस शुक्ल शब्द को हम जानने का प्रयास करेंगे,
तो यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि रस धातु किधर दिखाई नहीं देता, और रस धातु के वर्णन में हमने देखा था कि रस धातु शुक्ल वर्ण का होता है या सफेद कलर का होता है। तो समझ में ये आया हमें कि सप्त धातु, ठीक है, पित्त एवं श्लेष्मा, यहाँ पे वात नहीं है, ये दो, और तीन मल है, ठीक है, स्वेद मूत्र पुरुष। इस पद्धति से 12 स्थान जो है वो बता दे। ओके, यानी दोष धातु मल इन धातु में से। ओके, तो केवल यहाँ पे जो है वो दोषों में से वात दोष नहीं है, तो दोष धातु मल इनमें, इनको आप जोड़ेंगे तो 13 हो जाते हैं, उसमें से माइनस कर दिया जी वात दोष, तो ये 12 स्थान हो गए। भेल संहिता के दृष्टि से ओज के स्थान है। शारंग धराचार्य जी मैंने पहले ही बताया, वो संपूर्ण शरीर बताते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें अध्याय में ओज का महत्व बताते हुए ही वो बताते हैं कि हृदय उसका स्थान है और देह स्थिति निबंधनम, यानी वो क्या है, हृदय में रहता है लेकिन सर्व शरीर में व्याप्त रहता है, और देह की जो स्थिति है, लाइफ, जीवित अवस्था है, उसके ऊपर वो चलती है। अभी उसको जाएंगे हम गुण धर्मों की ओर। अगर गुण धर्म हम समझेंगे, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, तो ये रेफरेंस आपके सामने है, तो उसमें से ये अगर हम टोटल ये सभी रेफरेंस ले लें, ओजा सोमात्मकम स्निग्धम, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, विविक्तम मृदुमूर्छनम च प्राणायतनम उत्तमम, या चरक चिकित्सा स्थान का रेफरेंस, गुरु शीतम मृदुश्लक्षणम बलम मृदुस्थिरम, इस पद्धति से ये संपूर्ण अगर हम देखें तो गुण क्या बताते हैं ना, ओज का स्वरूप या उसके प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो ये सभी रूप अगर हम इकट्ठा करें तो हमें वो यह दिखाई देता है कि वो शुक्ल वर्ण का है, और कुछ कुछ ईषत रक्त और पीला, यानी लिटिल बिट रेड और लिटिल बिट येलोइश भी है, वो मधुर रस का है, लाज के तुल्य गंध वाला, लाजा यानी क्या है, या आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी पूजन को भी यूज की जाती है, इसको क्या बोलते हैं, लाजा, मराठी में इसको लाया कहते हैं, ठीक है। तो गुरु है गुण धर्म में, शीत वीर्य है, मृदु सर है, सर यानी प्रसरणशील है, स्थिर है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, मसरुण, ऐसे शब्द प्रयोग यूज किया है, मसरुण शब्द का उपयोग कहाँ पे किया है देखिए, तो मसरुण भी एक गुणधर्म वहां पे बताया है, उसका अर्थ होता है चिक्कण, और फिर बहल यानी सांद्र है, और सौम्य स्वभाव वाला तो वो है ही, ठीक है। इस प्रकार के वो है मसरुण, यह शब्द मृत्स्न के लिए आया है, देखिए मृदु मृत्स्नम, तो मृत्स यानी मसरुण यानी चिक्कन, पिच्छिल यानी चिपचिपा, देखिए कफ के सदृश उसके तार बनते हैं, चिक्कन यानी उसको हम कहते थे बिल्कुल सॉफ्ट, इस प्रकार का हो रहेगा, तो उसमें चमक भी होती है उस सॉफ्टनेस से। तो इसको अगर हम समराइज करेंगे, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, उसका गंध है लाजा के समान, रस है मधुर, उसके गुणधर्म बताए हैं स्निग्ध शीत स्थिर, ठीक है, सर होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, रस नहीं सर होना चाहिए, मृत्स्न, ठीक है, प्रसन्न और पिच्छिल, और उसका वर्ण कैसा है, घृत के समान, इस प्रकार ईषत पीत। ओके, या फिर दूसरा बताया है वहां पे ईषत लोहित, ये मधु के समान, सो घृत के समान, देन मधु के समान, और मधु के समान यानी इसका अर्थ क्या लेंगे हम, ये ईषत लोहित है, घृत के समान है, और ईषत पीत, ठीक, मेरे ख्याल से घृत जो है वो सांद्रता प्रदर्शक है, शहद भी है वो सांद्रता प्रदर्शक है, इसलिए घृत और शहद जो है वो केवल कलर बताने के लिए, वर्ण बताने के लिए नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है सेमी सॉलिडनेस यानी थिक गाढ़ा सर, ये सॉरी सांद्र, ये गुणधर्म बताने के लिए भी ये उपमा दी गई होगी। कार्य क्या है ओज के, तो सबसे पहले तो देह सावयवस्त्वेन व्याप्तो भवति देहिना, यानी इसके विविध कार्य जो है अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान में बिल्कुल वो विस्तार से बताते हैं, वो भी रेफरेंस आप यहाँ पे देखिए,
फिर सुश्रुताचार्य जी का 15वें अध्याय का सूत्र स्थान के रेफरेंस देखिए, और फिर अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 19वां अध्याय। इन सभी में हमें पता चलता है उनके कार्य क्या क्या है। अगर इन कार्यों को हम समराइज करेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि ये ओज जो है वो दश प्राणायतनों में से एक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर की स्थिति, जीवित स्थिति है, वो ओज के ऊपर निहित है या अवलंबित है। ठीक है, तो शरीर की जो प्राकृत अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, वो नॉर्मलसी ऑफ लाइफ जो है वो ओज के ऊपर, ओज से है। यह उसका कार्य है, शरीर की प्राकृत जीवित स्थिति बनाए रखना। ओके, अगर ओज खत्म हो जाता है तो वो डेथ यानी मृत्यु भी उससे आ सकती है। अब अगर ये जो शरीर दोषों की, सॉरी, जो प्राकृत स्थिति है और विकृत स्थिति, इनको भी ओज से संबंधित किया गया है। ओके, सो ओज का जो स्थिति है वो दोषों के साम्य पे और उसकी विकृतियों पे भी, यानी वृद्धि हो या क्षय हो, इसको भी वो नियंत्रित करती है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, और फिर ये हो गए उसके कार्य जो हमें चाहिए, तो उससे स्टेबिलिटी यानी स्थैर्य आता है, स्ट्रेंथ यानी शारीरिक और मानसिक बल आता है, और विशेषतः मांस धातु जो है तो उसका वह पोषण ओज करता है। ग्रंथों में ऐसे रेफरेंस जो हमने प्रीवियसली देखे वहां पे हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे और फिर जो विशेषतः शरीर के विविध जो ज्ञानेंद्रिय, केंद्रीय और कर्मेंद्रिय है, उनको प्राकृत रीत्या उसको सुचारू रूप से चलाना, ये भी फंक्शन जो है, कार्य जो है, वो ओज का है। ठीक है, और अपना स्वर और शरीर का वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन, इनको बनाए रखना भी यह कार्य बताए हैं ओज के। सो आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, ओज के कार्य, ओज के गुणधर्म, या ओज के गुणधर्म प्रकार कार्य वर्णन करते हुए ओज की तीन विकृतियां लिखे, इस पद्धति से भी एलएक्यू आ सकता है। ठीक है, आगे जाएंगे क्रियात्मक दृष्टि से ओज का महत्व क्या है। तो धातु तो हम सीखते हैं, सारता भी सीखते हैं, तो सारता ही थोड़ी ओज है, वो अलग चीज है। तो सबसे पहले वो व्याधि क्षमत्व जो है वो ओज के ऊपर अवलंबित है, डिपेंडेंट है, इस दृष्टि से उसको हमने क्रियात्मक, उसका महत्व जानना चाहिए। और विशेषतः शरीर का जो फंक्शन है यानी होमियोस्टैटिस, संतुलन बनाए रखना त्रिदोषों द्वारा, यह उसका मुख्य क्रियात्मक कार्य हमने समझना चाहिए, जो हमें इंदु टीका में भी मिलता है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दोषाणाम प्राकृतम वैकृतम च स्वरूपम उक्तमी च दोषाः समाः इत्यादि। और उसके फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है क्रियात्मक दृष्टि से, हृदय का संरक्षण करना, हृदय से संबंधित जो धमनिया है उसको उसका संरक्षण करना, मन को जो है, मानसिक स्थिति जो है उसको नियंत्रित करना या संतुलित रखना। ठीक है, और विशेषतः मन को जो दुखी करे ऐसे चीजों से, ऐसे घटनाओं से, उसको दूर रखना, और उससे क्या है, मानसिक शांति रहेगी, सूक्ष्म शरीर की शांति रहेगी, और मन जो है द्वारा, मन के द्वारा प्योर या जो उचित है उसी ज्ञान का ग्रहण किया जाए। ठीक है, तो विशेषतः फिजियोलॉजी दृष्टि से देखें तो पीएनईआई यानी साइको न्यूरो इंडोक्राइनो इम्यूनोलॉजी के दृष्टि से हमने इसको जानना चाहिए। उसके लिए चक्रपाणि दत्त की टीका एवं चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय के भी यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं। अभी ओज की विकृतियां हमेशा पूछी जाती है, और विशेषतः वो तीन प्रकार की विकृतियां होती है। प्राकृत ओज के हमने कार्य देखे। ठीक है, अभी विकृतियां क्या रही, प्राकृत उसके गुणधर्म देखे हमने, प्राकृत उसका स्थान देखा, अभी विकृतियां देखेंगे। यानी ओज के तीन विकृतियां प्रधान है, विष ओज विश्रंस,
ओज व्यापक और ओजक क्षय, यानी विसरंश, व्यापक और क्षय, ये जो है उसके तीन विकृतियों के प्रकार बताते हैं। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये एक दूसरे से ज्यादा गंभीर होते हुए स्टेजेस है, न कि प्रकार है। यानी विसरंश ये पहले होगा, व्यापद उसके बाद में होगा, और क्षय जो है वो अंतिम स्थिति रहेगी। तो विशेषतः जो अपरहोज है, अर्धांजलि, जिसका प्रमाण बताया है और संपूर्ण शरीर में जो रहता है, उसके बारे में ये विसरंश, व्यापद और क्षय है। क्योंकि अगर परहोज अगर विकृत हो जाता है तो वो मृत्यु निश्चित है, ठीक है। इसीलिए ये जो तीन विकृति आया है, या विकृति की तीन स्टेजेस अबनॉर्मेलिटी बताई है, वह अपर ओज से संबंधित है, ये निश्चित हमने जानना चाहिए। श्लोक के द्वारा इसका अगर हम एक एक को जाने तो हमें अच्छी तरीके से वो समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो ओज विसरंश, तो ओज विसरंश क्या है, ठीक है। तो ओज विसरंश, व्यापक, क्षय, तो सबसे पहले विसरंश को किस पद्धति से हमने जानना चाहिए। तो विसरंश क्या है, इसको अगर हम समझे तो अपने स्थान से च्युत होने के होना, वह उसका विसरंश शब्द से जानना चाहिए। यानी उसके जो स्थान है वहां से वो अलग जगह चला जाता है, और उससे क्या होता है, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम, यानी संधि यानी जोड़ या जॉइंट्स, उसके बाद क्या वो क्या हो जाती है, उसमें ढीलापन, विश्लेष आ जाता है, यानी ढीलापन, अंगों का थका रहना, गात्राणाम सदनम, और आगे बताया है दोष चवनम, यानी वातादि दोष अपने स्थान से च्युत यानी अन्य किसी जगह निकल जाते हैं, ठीक है। और उसमें जोड़ दिया है क्रिया संनिरोधश्च, वो विसरंश से इस प्रकार से बताया है। तो विसरंश जो है वो आगे की स्थिति है, इसमें और एक दोष चवनम के बाद जोड़ना चाहिए, कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया जो है वो सम्यक रूप से नहीं होती, यह ओज विसरंश के लक्षण है। उसके बाद स्थिति आती है ओज व्यापद। तो ओज व्यापत्ति में क्या होता है, विशेषतः विश्रम से स्तब्ध गुरु गात्रता, यानी शरीर भारी लगता है, स्तब्ध हो जाता है। विशेषतः यहाँ पे जो वर्णन किया है, तो जानु इत्यादि जो संधियां होती है उसमें जकड़ाहट महसूस होती है, वात शोफ आ जाता है, यानी शोफ यानी इडीमा या स्वेलिंग, श्वयतु भी कहते हैं उसको। तो वो वातिक पद्धति से, यानी अपन वर्णशोथ जो है उसमें वातज शोथ, आप अष्टांग हृदय की जो अपनी प्लेलिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं, वर्ण का परिवर्तन, वर्ण भेदो, यानी उस व्यक्ति का वर्ण जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, स्किन कलर, वो बदल जाता है। ग्लानि यानी म्लानता आ जाती है। तंद्रा, तंद्रा यानी क्या है, वो स्थिति ऐसी है, वो तो ना निद्रा है, ठीक है, ना जागृत अवस्था है, यानी झपकी लगने जैसी अवस्था, और निद्रा यानी साक्षात नींद। तो ये हो गए लक्षण ओज व्यापक के। उसके आगे की स्थिति है ओज क्षय, तीसरा प्रकार। तो उसमें मुख्यतः मूर्छा, मांसक क्षय, मोह, मोह यानी ज्ञानेंद्रिया इस प्रकार से विकृत हो जाती है कि उन उन ज्ञानेंद्रियों का उचित पद्धति से जैसे होना चाहे वैसा ग्रहण नहीं होता, अज्ञान, प्रलाप और मृत्यु, ठीक है। इसीलिए हमने पहले शुरुआत में कहा कि विसरंश, व्यापद, क्षय, ये जो है वो उत्तरोत्तर गंभीर स्थिति है। तो प्रकार की दृष्टि से या कैटेगरी या स्टेजेस की दृष्टि से इन तीन विकृतियों को जानना चाहे। अब देखिए ओजक क्षय यह गंभीर अवस्था है, हमने अभी जाना विसरंश, व्यापद और क्षय। तो ओजक क्षय के जो है
उन्हीं कारणों को हमने विसरंस और व्यापत्ति के कारण जानने चाहिए, लेकिन वो उतने गंभीरता से नहीं होंगे या उनका अधिक काल तक अधिक प्रकार से सेवन नहीं हुआ होगा, इसलिए विसरंस हो जाएगा या व्यापत हो जाएगा। लेकिन ओजक क्षय के कारण की दृष्टि से चरक सूत्र स्थान 17वां अध्याय और सुश्रुत सूत्र स्थान का 15वां अध्याय में यह स्पष्ट रूप से कारणों का वर्णन लिखे हैं हमारे ग्रंथकार। तो अभिघातात, क्षयात, कोपात इत्यादि। तो सबसे पहले क्या है? आघात। क्षयात क्या है? तो धातु क्षय यानी रसादि सप्त धातुओं का क्षय। ठीक है, अभी धातु क्षय इसे शब्द का या क्षयात शब्द है, और टीकाकार लिखते हैं धातु क्षय, तो धातु शब्द धारणा धातवा है, तो वो धातु का भी यानी सप्त धातुओं का भी होगा, दोषों का भी क्षय हो सकता है या मलों का भी क्षय हो सकता है, क्योंकि प्राकृत स्थिति में दोष मल इनको भी धातु संज्ञा प्राप्त होती है। आगे क्या है? क्रोध, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक शोक करना, चिंता प्रकट करना, श्रम, बहुत दिनों तक अनशन यानी बिल्कुल नहीं खाना या उपवास करना, ये जो है हेतु है या कारण है, और वहां पे स्पष्ट लिखा है तेजाह समीरितम तस्मात विश्रम सहेति देहिनाहा, यानी क्या होता है इन हेतुओं से हृदय अथवा ओज वहाओं से निकले ओज का ह्रास हो जाता है। चक्रपाणि दत्त यहाँ पे स्पष्ट बताते हैं कि धातुओं गृह्यन्ति यही तानी धातु ग्रहणानि स्रोतांसि ओजो वहानि, या धातु ग्रहण स्रोता स्थानतया धातु ग्रहणम हृदय, यानी हृदय महत्वपूर्ण से यहाँ पे वो विकृत हो जाता है, और हृदय से संबंधित दश धमनिया है जिनमें से संपूर्ण शरीर में ओज का वहन होता है या सप्लाई होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो वो भी विकृत हो जाती है। ठीक है, इस पद्धति से उसके क्षय के कारण बताए हैं। चरक सूत्र स्थान के अगर रेफरेंस देखें 17वें अध्याय को, तो व्यायाम यह उसका कार्य है, तो अत्यधिक व्यायाम ऐसे जानना चाहिए। ठीक है, रुक्ष अल्प प्रमित अशनम, यानी ये भी अलग से बताए चरकाचार्य जी ने सुश्रुताचार्य जी से, यानी रुक्ष ड्राई, अल्प प्रमाण से कम, प्रमित यानी बिल्कुल ही कम खाना। ठीक है, तो अशन यानी खाना। इसके सिवाय वात आतप ये बताया, रुक्षपान यानी मद्य जो है वो रुक्ष पान बताया यानी पीने का पदार्थ, प्रजागर यानी जागरण जो करते हैं ज्यादा, इसलिए नाइट ड्यूटीज वाले जो है या हम भी है 12 12 1 1 बजे, आप भी विद्यार्थी अवस्था में परीक्षा आ गई तो 2 2 बजे तक जागते हैं, रात को 3 3 2 2 महीना जागते हैं कभी तो विद्यार्थी, तो इससे ओज का कम होता है, इसलिए अपनी दिनचर्या जो है अभ्यास करते वक्त भी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से भूत उपघात ये क्षय, काल भी एक कारण बताया है, ये क्षय के हेतु है ओज के। ठीक है, ओज क्षय के लक्षण ये तो हमने पहले ही चरक सूत्र स्थान के देखे, इन्हीं को वाग्भटाचार्य जी हृदय अपने अष्टांग हृदय संहिता में सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में वर्णन करते हैं। बिभेति दुर्बल भिक्षम दहायति विदितेन्द्रियाद उच्छाय दुर्मणा रुक्षा क्षामा च एव ओजस्य क्षये, ये जो ओजस्य क्षय है ये शब्द हृदय में हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन बाकी शब्द वैसे के वैसे, यानी ज्यादा भय। ठीक है, विभेति भय, दुर्बलता, अभीक्ष्ण ये शब्द बताया है वो अत्यधिक एक्सेसिव स्टेज के लिए, तो इस पद्धति से जो है एंजाइटी है, विल पावर इच्छा शक्ति कम होना, आत्मविश्वास कम होता है। ठीक है, ये उसके लक्षण है, और विशेषतः ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की क्षमता कम हो जाना, शरीर का वर्ण कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल चला जाता है, रुक्षता आ जाती है, दुर्बल हो जाता है शरीर, तो ये अपर ओज क्षय के लक्षण है, क्योंकि अगर ये अपर ओज बिल्कुल ही क्षय की तरफ अत्यधिक क्षय उसका हो जाए तो पर ओज का भी नाश होगा और उससे मृत्यु होगी। ठीक है, तो यही स्थिति हमने जो अभी वर्णन की कि विश्रंस व्यापत क्षय, ये जो है वो 3 दोष है ओज के, या 3 विकृतियां है, इनको ही हमने पहले देख चुके हैं। ओज वृद्धि के लक्षण भी बताए हैं ग्रंथों ने,
ओज वृद्धि के जो लक्षण बताए हुए, ओज वृद्ध होने से क्या होता है, देहस्य तुष्टि, तुष्टि यानी समाधान, पोषण अच्छे से हो जाए। तो तुष्टि यह शब्द जो है वो मानसिक तृप्ति के लिए है, और पुष्टि शब्द जो है वो शारीरिक पोषण के लिए है। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों पोषण अच्छे से होते हैं, बल का उदय होता है। तो हम अन्य पद्धति से अगर विचार करें तो शरीर बल विकसित होता है या बढ़ता है, और मानसिक बल जो है वो उदित होता है या बढ़ता है, ऐसे हमने जाना अष्टांग सूत्र स्थान 11वें अध्याय से। तो बहुत बार ओज को जो है वो हमने देखा कि बल से उसका हमें निदान करना होता है। तो ओज ही बल है क्या, फिजिकल स्ट्रेंथ हम कहेंगे वही है क्या, तो इसको जानने का प्रयास इस स्लाइड में किया है। तो ओज क्या है, उसको उसका गुणधर्म जो बताए हैं थोड़ी देर पहले हमने देखे, तो उसका रूप रस वीर्य शीत वीर्य का है ये बताए हैं, और उसको हमने अनुमान प्रमाण से जानना होता है। लेकिन बल जो है वो व्यायाम शक्ति से उसको परीक्षण करना होता है, बलम व्यायाम शक्ति परीक्षित, ऐसे चरकाचार्य जी कहते हैं, या फिर बल क्रिया निर्वर्तन क्षमता, ये ढलनाचार्य जी बताते हैं। तो व्यायाम जो है वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है, और वो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देख सकते हैं। इसीलिए ओज इज नॉट इक्वल टू बल, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जरूर बल जो है वो ओज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये उसका सारांश हुआ इस स्लाइड का। तो प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते, यानी बल जो है वो अगर प्राकृत है तो उसको श्लेष्मा ओज कहेंगे, और वही अगर श्लेष्मा विकृत हो जाए, प्राकृत विकृत हो जाए, तो उसको मल कहते हैं। तो यही स्थिति है कि श्लेष्मा यानी कफ दोष जो है वो प्राकृत अवस्था में बल यानी व्याधि प्रतिकार शक्ति अगर इसे जोड़े हम, तो वो निश्चित ही बल प्रदान करने वाला होता है, व्याधि प्रतिकार शक्ति वाला होता है। और अगर वो विकृत हो जाए तो उसको मल कहेंगे या विकृत स्थिति कहेंगे। तो हमें ये पता चला इससे कि ओजा इज अ सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बल, तो ओज कारण है, बल कार्य है, पदार्थ विज्ञान की भाषा में अगर कहें कार्य कारण भाव की दृष्टि से। तो बल इज ऑफ टू काइंड्स, कैपेसिटी टू परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्याधिक क्षमत्व। तो यही हमें अगर हम नीचे के श्लोकार्ध देते देखे तो ये हमें पता चलता है। तो ठीक है, तो आपको समाधान इससे हुआ होगा। तो फिर ओज क्या कफ है, तो ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि श्लेष्मज ओज ऐसे भी कहा है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते, थोड़ी देर पहले हमने देखा कफ दोष जो है वो उसकी प्राकृत अवस्था में उसको ही ओज कहा है, बल का देखिए, यानी वो वैसे के वैसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। तो अभी हमें पता चलेगा फिर ओज क्या है, धातु है, उपधातु है, बाय प्रोडक्ट है, या शुक्र का ही अंश है, क्योंकि हमने जब शुक्र धातु का विचार किया तो वहां पे हमने देखा कि शुक्र को मल भी कहा है। तो किसने कहा है, ये आपके लिए प्रश्न में छोड़ देता हूं। तो सबसे पहले तो ओज धातु है, उपधातु है या शुक्र का अंश है, इसको अगर हमने जानने की कोशिश की तो भी हमें यह पता चलता है कि धातु उपधातु और शुक्र का अंश इनसे वो अलग है, क्योंकि ओज को उपधातु भी माना है, ओज को शुक्र का अंश भी मल भी माना है, ठीक है, और सप्त धातुओं का तेजस स्वरूप भी ओज है, ये तीनों ही उसके स्वरूप है मनोबल। सो टॉलरेंस टू द मेंटल स्ट्रेस और टॉलरेंस फॉर द फिजिकल पेन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ओज स्थिति। तो डल्लनाचार्य समझाते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान 35 की टीका में सत्व मन बूल बल गुण विशेष इत्यादि पद्धति से, यानी ये मनोबल भी जो है वो टॉलरेंस जो है वो हमें ओज की अच्छी स्थिति से ही मिलता है। तो इन शॉर्ट
अगर इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करें तो ओज जो है वो क्या है, तो संपूर्ण सप्त धातुओं का इसेंस यानी सार है, जो शरीर के प्राकृत या अच्छे पोषण के लिए जिम्मेवार है, और यानी अच्छे पोषण से वो हमें दिखाई देता है कि ओज इस शरीर में है, इस व्यक्ति के अच्छी प्राकृत स्थिति में है। ऑल्सो हमें क्या पता चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी विच इज रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ दोष एज वेल एज द फंक्शन ऑफ अदर ज्ञानेन्द्रिया एंड कर्मेंद्रिया, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ। इट कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म लाइक इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऐसे हमने इससे जानना चाहिए। अभी यहाँ पे हमने कुछ स्लाइड जो है वो स्किप हो गई है, लेकिन वो जो वर्ग जो है वो भी हमें किसी धातुओं से जो है या पदार्थों से हमें ओज का पोषण होता है, तो विशेषतः हमने ये जानना चाहिए जो भी आचार रसायन बताया है वो जरूर ही हमारे तब विहार के दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। आचार रसायन या सद्वृत्त जो है, हमें बिल्कुल ही उससे ओज की वृद्धि होगी, क्योंकि सप्त धातु दोष मल ये शरीर में बिल्कुल ही संतुलित रहेंगे, और ये अगर संतुलित रहेंगे तो ओज जो है ओज का पोषण अच्छे से होगा। इसीलिए शारीरिक अवस्था, व्यक्ति की मानसिक अवस्था, और हम क्या किस आहार का सेवन करते हैं, हमारा बिहेवियर या विहार कैसे है, उसके ऊपर ही ओज की स्थिति डिपेंडेंट है। तो सद्वृत्त में जो भी आहार विहार के नियम बताए हैं उन्हीं को हमने ओज धातु का संरक्षण लेने के लिए मानना चाहिए। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।